हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही, आपकी रीजनिंग की जर्नी चल रही है बेटा, और ये रीजनिंग की आपकी फोर्थ क्लास है। ऑलरेडी 3 क्लास आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। टाइप कौन सा चल रहा है आपका? ये फोर्थ क्लास है और टाइप चल रहा है आपका फोर्थ। ऑलरेडी 3 टाइप अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 3 टाइप आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिक थे। ठीक है, अब फाइनली किस क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग? 32। इससे पहले आपको फिर से बता दें कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। देखते हैं 33 क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। और जो टाइप फोर है आपका, विथ रिस्पेक्ट में इसके पूछेगा किसके सापेक्ष कौन है। और ये टाइप फोर आपका ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में आपको कुछ ट्रिपलेट पढ़ाए थे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ भी बताया था। और वो प्रूफ क्या था? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। करेक्ट। चलिए, और कुछ ट्रिपलेट भी लिखाए थे जो कि आपको वो कुछ बेसिक ट्रिपलेट थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट थे जो कि आपको वो ट्रिपलेट याद करने ही हैं। लैंग्वेज क्या लिखी है देखते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति है जो कि 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चला दीजिए आप पहले तो उसको उत्तर की ओर। उत्तर की ओर चलता है 1 किलोमीटर। इसके बाद 1 किलोमीटर बेटा उत्तर की ओर चला। इसके बाद आगे देखिए, पढ़िए आगे क्या लैंग्वेज है। आगे आप पढ़िए, क्या लिखे? तब वह 45 डिग्री दाई ओर, 45 डिग्री दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तब वह 45 डिग्री दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब 45 दाई ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ? आप किस एंगल पे एरो ले जाएंगे, किस एंगल पे एरो ले जाएंगे? तो देखिए, 45 एंगल मोड़ने का मतलब आप एरो किधर ले जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर किसी ने इस एरो को ऐसे अगर मुड़ा दिया इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, तो बेटा आपने रॉन्ग बना दिया। क्योंकि आपने, आप देखिए, एज्यूम करिए क्योंकि आपने यहां से नॉर्मल राइट ले लिया, और नॉर्मल राइट लेने का मतलब आप कितना घूम गए? 190 डिग्री। हाँ, नॉर्मल राइट बोलने का मतलब आप कितना घूम गए? 90 डिग्री। पर आपके क्वेश्चन में तो लिखा है बेटा कि आप 45 डिग्री घूमे, तो फिर आपने ज्यादा घूम लिया, इसीलिए तो आपका रॉन्ग हो गया। तो फिगर आपका कौन सा, किस साइड पे एरो जाएगा पहले ये तो बताइए ना। नॉर्थ ईस्ट साइड पे आपका एरो चला जाएगा। इसके बाद आगे पढ़िए, आगे क्या लिखी है लैंग्वेज। आगे आप देखिए क्या लिखा, और अंत में वह दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बेटा अब यहाँ पे नॉर्मल राइट लेता है। देखिए क्या लैंग्वेज लिखी यहाँ पे, देखिए नॉर्मल राइट है और अंत में वह दाई ओर मुड़कर, ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट से वह नॉर्मल दाई लेता है, दाई ओर मुड़ता है, और कितनी दूरी कवर करता है? 2 किलोमीटर। फिर से बेटा वह यहाँ से दाई ओर मुड़ता है, पर आप देखिए यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, फिर से नॉर्मल राइट मुड़ रहा है यहाँ से, और कितना? 2 किलोमीटर की दूरी इसमें तय करता है। डेटा अपना लिख लेते हैं, यहाँ भी 2 किलोमीटर चला था ये, अगेन यहाँ भी 2 किलोमीटर चला। इसके बाद आगे देखिए क्या पूछा गया आपसे। आगे आपसे पूछा गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका एंड पॉइंट है, इसके सापेक्ष में इसकी दिशा और दूरी दोनों ही आपसे पूछ ली गई है। दिशा और दूरी दोनों ही आपसे पूछ ली गई है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वहां से आप क्या करिए, पहले तो आप एरो लगा दीजिए। करेक्ट। ये हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से एरो बनाना सीख गए थे। अब देखिए, और ये टाइप चल रहा है आपका फोर्थ, और टाइप फोर्थ में मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि टाइप फोर्थ में कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए। ये वाली जो आपकी डायरेक्शन है, इसकी दूरी भी पूछी गई है इसके रिस्पेक्ट में, और दिशा, दूरी मतलब दिशा और वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और बताया था मैंने वर्टेक्स का कंसेप्ट आपको समझाया था। तो इसको कोई रैंडमली कोई नाम दे दो, ए पी
और सी एंड डी, ताकि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर पाए अच्छे से। अब देखिए आप यहां पे डॉटेड फॉर्म में लाइन एक एज्यूम कीजिए और बी से डी को मिला दीजिए, करेक्ट, बी से डी को मिला दीजिए। क्यों मिलाया है अभी आपको पता भी चल जाएगा। अब देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहले वह 1 किलोमीटर नॉर्थ दिशा में चलता है, इसके बाद यहाँ से 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बेटा जब सी पॉइंट पे वो पहुंचा, तब यहाँ पे वह कितने डिग्री मुड़ा, नॉर्मल राइट का मतलब क्या, 90 डिग्री राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से उसने नॉर्मल राइट लिया, यहाँ से उसने नॉर्मल राइट लिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज वह घूमा, करेक्ट। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ट्रायंगल का फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, ट्रायंगल का फिगर आपको दिख रहा होगा, और ट्रायंगल को हमने अच्छे से समझ भी लिया था, कंसेप्ट भी देख लिया था, और पाइथागोरस प्रमेय भी आपको बताई थी, हाँ, विथ प्रूफ के साथ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसमें आपको कुछ ट्रिपलेट भी लिखाए थे जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट थे। चलिए, और परपेंडिकुलर और बेस की साइड से या इन दोनों की वैल्यू से आपकी पर हाइपो की साइड या वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होगी, ये भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था, ये भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था। इसके बाद अब इसकी बारी आती है सॉल्व करने की, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, करेक्ट। चलिए अब देखिए BD की वैल्यू, इसमें आपको दो बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप देखिए एंगल PCD, कौन सा एंगल, BCD, इन ट्रायंगल PCD में, देखिए हाइपो का स्क्वायर, हाइपो आपकी बड़ी रेखा कौन है, 90 के सामने वाली हमेशा आपकी बड़ी होती है रेखा, वो आपकी क्या, कौन सी रेखा कहलाती है, आप बोलेंगे हाइपो, जो कि करेक्ट है। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप मान लीजिए BC है आपका, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है, CD का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस इनकी वैल्यू को पुट कीजिए और BD की वैल्यू आपकी प्यारे तरीके से निकल आएगी। तो देखिए BD की वैल्यू आपको निकालना है, इसको आप एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपकी 4 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपके 4, एक ही बार लिख लेते हैं 4 प्लस, और CD की वैल्यू आपकी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, करेक्ट। और देखिए यहाँ पे आपको BD की वैल्यू फाइंड करनी, ना कि BD स्क्वायर की, और स्क्वायर हटाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना आता होगा, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड क्या करते हैं, रूट। तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख लें, चलिए यहाँ से आपकी BD की वैल्यू हो जाएगी, BD की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी √8, करेक्ट, BD की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी √, अरे अब BD की वैल्यू तो निकल आई, कितनी निकली BD की वैल्यू, √8। अब इस सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड आप फिर से ट्रायंगल का यूज कीजिए, और कौन से वाला ट्रायंगल का यूज करेंगे आप, अब आप कौन इस वाला ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ भी आपका 90 का बन रहा है, करेक्ट। इसके बाद ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल ABD, फिर से आप सेकेंड टाइम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में, देखिए सबसे बड़ी रेखा आपकी कौन सी, आप बोलेंगे AD, करेक्ट, AD का स्क्वायर, AD आपकी क्या है, हाइपो, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होगा प्लस अंडर रूट एट का स्क्वायर, देखिए अंडर रूट एट का आपको स्क्वायर करना है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8। अब देखिए यहाँ से आप हाइपो की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं ना, बिना कुछ कठिनाई के, तो क्या हो जाएगी AD की वैल्यू आपकी आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट नाइन, और 9 का रूट क्या होता है, आप बोलेंगे 3, 9 का रूट होता है आपका 3। तो आपकी AD की वैल्यू कितनी निकल आई, ये आपकी AD की वैल्यू निकल आई आपकी, बोलिए AD की वैल्यू आपकी निकल आई 3,
और डायरेक्शन डायरेक्शन भी देखिए आपकी, तो डायरेक्शन देखिए, सबसे पहले देखिए एरो किस साइड जा रहा है, आप कहेंगे ऊपर जा रहा है, नॉर्थ साइड जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें साउथ है, इस वजह से अब बचे आपके दो। आप देखिए दो में से कौन सा हो सकता है। इसके बाद देखिए आप, एरो आपका ऊपर साइड जा रहा है नॉर्थ साइड, इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड, आप बोलेंगे राइट साइड जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और कितनी दूरी, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बेटा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक से दो बार रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें। 24 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चला दीजिए पहले आप उसको पूर्व की ओर, कितनी दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इसके बाद देखिए, इसके बाद 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5√2 किलोमीटर की दूरी चलता है, हाँ राइट मुड़ता है कितना, 135 डिग्री, एंड वो कितना करता है, 5√2 किलोमीटर, 5√2 किलोमीटर। अब बेटा वहां से ये राइट मुड़ेगा, हाँ राइट, अब देखिए नॉर्मल राइट आप मोड़ते, पहले देखिए नॉर्मल राइट मोड़ते कितना, 90 डिग्री आप इस डायरेक्शन में आ जाते, पर आपसे बोला क्या गया है नॉर्मल राइट नहीं, कितने डिग्री मोड़ना है, 135 डिग्री मोड़ना है आपको। तो देखिए कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे आप, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, करेक्ट। ये बात समझ में आई, चलिए आप देखिए, ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप आ गए हैं इस समय, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गए हैं ये, और दूरी कितनी तय की इसने, आप बोलेंगे कितनी, 5√2, 5√2 दूरी इसने तय की, 5√2। अब बात आती है क्या, ये जो आपका एरो है, हाँ ये जो आपकी एरो है, ये एक्चुअली देखिए इसको फिर से आप देख लेते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन में चला था कितना, 5 किलोमीटर, इसके बाद वह 135 डिग्री राइट मुड़ेगा तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी, हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, आप बोलेंगे 5√2 किलोमीटर, 5√2 किलोमीटर। अब बात ये यहाँ पे आती है कि ये जो आपका एरो है, ये वाली साइड, ये जस्ट इसके सामने होगी, ठीक है, या इससे छोटी होगी या इससे बड़ी होगी, तीन कंडीशन बनेंगी आपकी यहाँ पे। देखिए ये जो आपका एरो है, ये वाला, ये यहाँ से पीछे रह जाएगा, या थर्ड कंडीशन बननी चाहिए ये कि ये जो एरो है इससे आगे निकल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये इसके पैलर सामने ही रहेगा। तो देखिए इसके लिए आपको ट्रायंगल की नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको जस्ट वही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ये कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो ही आप इस कंसेप्ट का यूज कर पाएंगे। सबसे पहले एक थोड़ा सा आप देख लिए, ये कितना स्ट्रेट लाइन बन रही थी, करेक्ट, और स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, आप बोलेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री, और किस कारण बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कारण, करेक्ट। सीधी लाइन पे सभी बने कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहां से वह घूमा कितना है, आप बोलेंगे 135 डिग्री, कितना घूमा है, 135 डिग्री, वह क्लॉकवाइज, मतलब राइट बोलने का मतलब क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में घूमा है। और आप जानते हैं 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधी रेखा पे, ऑलरेडी वह 135 डिग्री घूम चुका है, तो बाकी बचे हुए कोण की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, आप 180 में से घटा दीजिए तो बाकी बचा हुआ एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलेंगे 45 डिग्री, कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, आप बोलेंगे 45 डिग्री। तो ये कुछ छोटा सा आपका बेसिक सा कंसेप्ट था जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहे हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लायक। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, हाँ कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपको बिल्कुल धैर्य बना के थोड़े 10 मिनट के लिए अपने पूरा समय दे दीजिए और कंसंट्रेट पूरा यहीं पे होना चाहिए। चलिए
ये जो बेटा यहाँ पे होता है ये आपका अभी नॉर्मल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे आप। और जो ये यहाँ पे बिंदु होते हैं इनको बेटा वर्टेक्स बोलते हैं। आप ज्यादा कुछ आपको मैथ तो नहीं पढ़ाएंगे, जब आप ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ेंगे एडवांस मैथ तब आपको पूरा इसका निचोड़ मिलेगा कि ट्रायंगल की जो ये आपको जो ट्रायंगल है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बता देते हैं एक बार, जो आपका ट्रायंगल होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, तीन लाइनों से प्लेन सरफेस में तीन लाइनों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ये आपकी तीन लाइन होती हैं। देखिए नॉर्मल ट्रायंगल आप बनाइए, एक लाइन दो लाइन और ये आपकी थर्ड लाइन, करेक्ट। आप एज्यूम क्या करते हैं, आपको ट्रायंगल बनाना है तो बाकी जो आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ से देखिए सभी यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप एज्यूम नहीं करते हैं, उसको आप मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। तो जहाँ पे ये मिलते हैं इसी को बोलते हैं आप वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। हाँ, वर्टेक्स किसको बोलेंगे, ये आपके जो पॉइंट है जहाँ पे सारी रेखाएं आपस ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, जहाँ पे मिल रही हैं उनको बोलेंगे वर्टेक्स। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। इसके बाद एक कंसेप्ट आपको और पता होना चाहिए। अभी क्या आपने बताया, ये आपका नॉर्मल ट्रायंगल बना, हाँ, तीन लाइनों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है इनको बोलते हैं हम क्या, वर्टेक्स। और वर्टेक्स को आप किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, कहने का मतलब ए बी, रैंडमली मान लिया सी। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको एक और पता होना चाहिए, क्या नेक्स्ट कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 का बिल्कुल फिक्स होता है बेटा, आप बोलेंगे यस। इसके बाद इसके वर्टेक्स को आप कैपिटल लेटर से डोट करते हैं, देख लिया ए बी सी, करेक्ट। इसके बाद एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जो आपका एक नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल हो इसका जो बेटा तीनों कोणों का जो सम होता है कितना होता है, आप बोलेंगे 180 डिग्री, करेक्ट। कितना, 180 डिग्री। उस 180 डिग्री में ये आपने कौन सा ट्रायंगल बनाया, आपने बोला राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसमें से एक कोण आपको फिक्स है कितना है, 90 डिग्री, और बाकी जो आपके दो एंगल बचे हैं इनकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, तो 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन है ना, एक ट्रायंगल जो होता है उनके तीनों कोणों का योग आपका 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस वजह से। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट क्या एक फॉलो करना है, ये आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कोण आपका 90 का हो गया, इसके बाद जो आपके ये दो एंगल हैं इनका योग कितना हो चाहिए, 90 डिग्री, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई, आप देखिए अगर हमने ए बी साइड को और ए सी साइड को बोल दिया कि ये दोनों साइड आपकी बेटा समान है, ये दोनों साइड आपकी क्या है, इक्वल हैं, तब यहाँ पे आपको क्या कंडीशन फॉलो करनी है और हमेशा याद रखनी है कि अगर आपकी साइड इक्वल हैं, अगर आपकी कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने का जो एंगल होगा, इनके सामने का जो एंगल होगा वो भी आपका इक्वल होगा। तो इस साइड के सामने आपका ये वाला एंगल है और इस साइड के सामने आपका ये वाला एंगल है, करेक्ट। ये बात समझ में आई, तो ऑलरेडी 90 आपका पहले ही निकला पड़ा हुआ है, तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 45 डिग्री ये हो जाएगा और 45 डिग्री आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका आप प्रूफ नहीं, अब ये मत बोलना कि इसका भी प्रूफ बताओ, ये भाई सत्य है तो सत्य है। ये कुछ आपकी बेसिक चीज थी जो कि आपकी पता होनी चाहिए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कोण आपका 90 का है, अगर वर्टेक्स को नाम क्या देंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से, ए बी एंड सी, ठीक है। अगर इस वाली सिचुएशन में देख लेते हैं क्या हो सकता है, इसमें हम आपको एंगल बराबर करके दे रहे हैं, अगर ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है और बी एंगल आपका 45 डिग्री है, आपने अभी कंसेप्ट क्या पढ़ा, अगर एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड इक्वल होंगी, या इसका कन्वर्स भी ट्रूथ होता है क्या, अगर साइड इक्वल है तो इनके सामने का बेटा एंगल भी आपका इक्वल होगा, इक्वल वैल्यू होगी। तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड आप बोलेंगे, ए बी साइड आपकी इक्वल है, और किसके इक्वल है, एंगल बी की वैल्यू क्या है, 45। इसके सामने कौन सी साइड आप बोलेंगे, ए सी साइड की इक्वल है, करेक्ट। ये बेसिक चीज थी आपकी। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को क्या भाई नजरों से, ये है, हाँ ये है अपना एंगल,
चलिए इसको फिर से बनाते हैं। चलिए ये दूरी कितनी ईस्ट दिशा में चला था और कितनी दूरी तय की थी, 5 किलोमीटर, लिख लीजिए आप 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इसके बाद यहां से वह 135 डिग्री कितना मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ा और कितना दूरी तय करता है, 5√2 किलोमीटर, 5√2 किलोमीटर करेक्ट। यहां से वह फाइव रूट टू किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कितना 5√2 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है। फिर से बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटा। चलिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चला दीजिए पहले तो आप उसको पूर्व की ओर। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, कितनी दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर। इसके बाद आगे पढ़िए और क्या करता है ये। इसके बाद वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है। तो 5√2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन इसके पैरेलल होगी, मतलब कि इसके पॉइंट के सामने होगी, या इससे पीछे या इससे आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो यही बात अभी देखेंगे आप, आपको समझाने जा रहे हैं, बता रहे हैं। ये जो 135 डिग्री मुड़ा, 135 डिग्री जो मुड़ा है, इसकी दूरी कितनी तय की उसने, 5√2 किलोमीटर। यहाँ पे आपकी 3 सिचुएशन बनेगी, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं। पहली सिचुएशन में क्या, ये ईस्ट डायरेक्शन में चला कितना, 5 किलोमीटर। इसके बाद 135 डिग्री वह मुड़ा राइट, अब देखिए 135 डिग्री राइट मुड़ा, और सिचुएशन ये क्या है कि इसके इस पॉइंट के सामने ये वाली रेखा आएगी या इससे पीछे रह जाएगी, जो कि वैल्यू कितनी है, 5√2 करेक्ट, 5√2। सेकेंड सिचुएशन क्या बनेगी, सेकेंड सिचुएशन ये है आपकी, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में तो चला, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला, तो ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा रेखा खिंच जाएगी या कम रहेगी, जो कि दूरी कितनी है, 5√2। थर्ड कंडीशन ये है कि ईस्ट की दिशा में कितना चला, आप बोलेंगे 5 किलोमीटर। थर्ड कंडीशन ये है कि इसी पॉइंट के बिल्कुल सीधे ये रहेगी रेखा, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा, इसी के पैरेलल, क्योंकि दूरी कितनी है, 5√2 बोलेंगे आप, हाँ 5√2। अब इसमें से कौन सी सिचुएशन, मतलब कौन सा फिगर आपका राइट बनेगा, आप बताइए। तो ये बताने के लिए आपको, ये बताने के लिए आपको जस्ट पीछे स्लाइड में चलना है फिर से, और हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पे, ये कुछ बेसिक था। इसी के बाद एक कंसेप्ट आप और देख लीजिए, या यहीं पर हम बता दे रहे हैं क्या बेटा, यहीं पे हम ये बता दे रहे हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए, उसी ट्रायंगल को फिर से बनाइए, अच्छे से क्लियरिटी होगी। हाँ चलिए, क्या है सबसे पहले, वह आप तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। इसमें एक कोण आपका क्या होता है, 90, एक कोण आपका 90 का बेटा बिल्कुल फिक्स होता है। इसके बाद इनके वर्टेक्स को नाम दे दिया हमने ए बी एंड सी, हमने कह दिया ए बी साइड बी सी ए सी साइड के बराबर है, तो ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 45, क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है, या एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल हो जाएगी करेक्ट। इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन में फिगर क्या दिया गया था, अपने क्वेश्चन में फिगर ये दिया गया था, एक व्यक्ति है बेटा, एक व्यक्ति है जो कि 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, इसके बाद वह 135 डिग्री मुड़ता है, और 135 डिग्री मुड़ने के बाद वह कितनी दूरी तय करता है, 5√2 किलोमीटर, 5√2 किलोमीटर। अब कंडीशन अपनी ये फंसी पड़ी है, ये जो लाइन है इसके जस्ट पैरेलल रहेगी या इससे छोटी रहेगी या इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में फिर से एक बार नजर देखते हैं, एक नजर फिर से देखिए। हाँ, इसके बाद अंत में वह
उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी चलता है, अंत में वह यहाँ से, अंत में वह यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है। कौन सी? उत्तर। उत्तर साइड बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट बेटा आप ऊपर जाएंगे। और कितनी दूरी कवर करता है? दूरी कवर करता है वह 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है इसने कवर की? 2 किलोमीटर, करेक्ट। कितनी? 2 किलोमीटर। अब देखिए आप, अब आप देखिए कंसेप्ट आपने पढ़ ही लिया है। हाँ क्या? कि अगर आपकी साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल इक्वल होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ के माध्यम से भी देख लिया। या एंगल इक्वल है तो उसके सामने की साइड इक्वल होगी, करेक्ट। देखिए यहाँ पे आप देखिए और एज्यूम कीजिए, एक लाइन को इसमें करना ही पड़ेगा। इस लाइन को एज्यूम कीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए डॉटेड फॉर्म में, और 90 डिग्री का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। कितना? 90 डिग्री का। जस्ट बेटा आपने पढ़ा था कंसेप्ट, अभी फिर से एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन पे आइए तो आप स्ट्रेट लाइन जो आपकी सीधी रेखा होती है इसमें बने सभी कोणों का जो आपका योग होता है, सम होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये बेटा यहाँ से कितना मुड़ गया था? आप बोलेंगे 135 डिग्री बेटा लिया था इसने। कितना? 135 डिग्री राइट मुड़ गया था। राइट बोले या क्लॉकवाइज बोले, दोनों की सेम मीनिंग होंगी, ठीक है। हाँ राइट मुड़ा, और आप जानते हैं बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं इससे। हाँ एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, उसमें से 135 डिग्री पहले ही निकल चुका है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे इस एंगल की वैल्यू 180 से घटाएंगे 135 को, तो 45 डिग्री एकदम बिल्कुल आराम से निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए इस ट्रेंगल पे फिर से एक नज़र देखिए, इस ट्रेंगल में फिर से एक नज़र देखिए, उसके बाद देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद इस एंगल की वैल्यू क्या हो गई? आप बोलेंगे 45 डिग्री, करेक्ट। तो जो आपका एक एंगल बचा है, तीसरा वाला एंगल, उसकी वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए? आपको पता ही कंडीशन क्या है, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। आपने कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। अगर साइड इक्वल है तो इसके सामने के एंगल इक्वल होंगे, या इसके एंगल इक्वल हैं तो इसके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। तो देखिए ये दोनों आपके एंगल इक्वल हैं, करेक्ट। तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? ये वाली जो कि 5 किलोमीटर है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो इसके वाले सामने की साइड भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, करेक्ट। इसके सामने की साइड भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 5 किलोमीटर। ऑलरेडी यहाँ से 2 किलोमीटर वो पहले चल चुका है, तो ये डॉटेड फॉर्म में जो लाइन आपकी खींची इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 3 किलोमीटर। कितने? 3 किलोमीटर। ये डॉटेड फॉर्म में जो खींची है इसकी दूरी हो जाएगी आपकी 3 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई, करेक्ट। अब देखिए, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु आपका क्या था? ये इस प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जाए बस वहां से आप एरो खींच दीजिए। तो देखिए जब आप एरो खींचेंगे यहां से ऐसे, तो किस दिशा में है? बोलेंगे आप साउथ। हाँ तो वेस्ट वाले ऑलरेडी दो ये हैं ए और सी, ये तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। हाँ बचे आपके साउथ वाले दो, इनमें से दो कोई हो सकता है। डायरेक्शन क्या है आपकी? साउथ, ठीक। उसके बाद दूरी देखिए, यही वाली आपकी जो दूरी है ना बची हुई, यही आपसे पूछेगी कितनी है। आप बोलेंगे 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, दक्षिण, करेक्ट। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए एक्चुअल इसका फिगर क्या बनेगा? ना तो ये इससे छोटी रहेगी, ना इससे बड़ी, इसके पैरेलल आएगी। ये वाली कंडीशन है ना, राइट। कौन सा हो जाएगा? इसके पैरेलल आएगी, इसके पैरेलल आएगी। बस इसको प्रूव भी करा देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, अब इसको प्रूव भी करा देते हैं। चलिए ये था ना अपना, चलिए देखिए इसी में अज्यूम कीजिए, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। और इसको ले लीजिए आप, कितना ले लीजिए, क्या बनेगा ये आपका? ये यहाँ से घुमा कितना है? 135 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। तो इसके सामने की वैल्यू भी हो जाएगी 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 से ज़्यादा योग नहीं होना चाहिए। अब आपके एंगल इक्वल हैं तो इसके सामने की साइड भी आपकी इक्वल हो जाएगी। ये 5 किलोमीटर है और एंगल आपके ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, इसके सामने 5 किलोमीटर है, तो इस एंगल के सामने की साइड भी आपकी 5 किलोमीटर ही होगी।
ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए तो हाइपो के स्क्वायर के बराबर ही निकलेगी, करेक्ट। चलिए प्रूफ, अब इतना प्रूफ करने के लिए आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है। अब जब आप प्रूफ करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 25 प्लस 25, कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, अंडर रूट में कितनी हाइपो इज इक्वल टू, हाइपो की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है आपकी, देखिए सॉल्व ही करा देते हैं इसको। हाइपो सबसे पहले फार्मूला लिखिए, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपके हाइपो की कंडीशन होती है, थ्योरम होती है ना। चलिए हाइपो की वैल्यू कितनी आप बोलेंगे, बड़ी वाली साइड की वैल्यू है आपकी 5√2, करेक्ट। इसके बाद इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, एज अ सेम बेस स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, हाँ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो को स्क्वायर करेंगे ना बेटा। इसके बाद 25 हाँ प्लस 25, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए आपको भी पता है दोनों साइड क्या करेंगे रूट, तो इस साइड से तो आपका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5√2 इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा 50। अब जब इसका फैक्टर करेंगे आप, ये देखिए इसको तो कितना 25 × 2, रूट में क्या आ जाएगा 25 × 2, और जानते हैं 25 का रूट क्या हो जाएगा आपका 5, जो कि 5 आपका बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5√2, 5√2, देखिए दोनों बैलेंस हो गई ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस हो गई। इसी वजह से तीन सिचुएशन आपको लग रही थी, क्योंकि आपको करेक्ट कौन सी हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी जस्ट इसके सामने, इस पॉइंट के सामने पैरेलल आएगी। डाउट क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।